मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर भारी जाम की स्थिति दिख रही है और तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह से जो हाईवे है वहां पर जल जमा हो गया है, उसकी वजह से गाड़ियों को आने जाने में बहुत ही दिक्कतें हो रही हैं। यहां ये तस्वीरें देखिए कि जैसे हम मुंबई से बाहर निकलते हैं अहमदाबाद हाईवे की तरफ, तो वहाँ पर ये इस तरह से जलभराव हो गया है और जो गाड़ियाँ हैं उनको बहुत ही संभल के निकलना पड़ रहा है। वजह यह है कि 3 दिन से लगातार बारिश की वजह से जो है ये दिक्कतें पैदा हो रही हैं। पूरा जो हाईवे है पूरी तरह से वो जाम नज़र आ रहा है। मैं इधर से आपको तस्वीरें दिखाऊं कि आप देखिए कि पूरा हाईवे जो है जाम की स्थिति दोनों तरफ नज़र आ रही है और गाड़ियां काफ़ी देर तक जो है पानी में डूबने के बाद जो है वो आगे बढ़ रही हैं। आज शनिवार का दिन है, बहुत सारे लोग जो है घरों से निकले हुए हैं पिकनिक मनाने के लिए, छुट्टियां मनाने के लिए, और इस तरह से ये स्थितियां पैदा हुई हैं उन तमाम हाईवे पर जहाँ पर बारिश की वजह से जल जमाव हो गया है। देखिए किस तरह से पानी भरा हुआ और ये जाम आप देख रहे हैं ना, तस्वीरें आप जाम की दिखाइए अनूप की, ये जो जाम आप देख रहे हैं करीब 3-4 किलोमीटर तक ये पूरा जाम लगा हुआ है और इस तरह से जब ये पानी है वहाँ पर पानी, देखिए तस्वीरें यहाँ पर जल में दिखाइए, पानी में दिखाइए कि किस तरह से गाड़ियाँ वहाँ पर फंस जा रही हैं, जो बाइक हैं वो वहाँ पर धस जा रही हैं और काफ़ी वहाँ पर पानी भरा हुआ है। तो इस तरह से हाईवे पर जो जल जमाव की स्थिति हो रही है उसकी वजह से लोगों को अब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी थोड़ा सा बारिश कम है लेकिन बताते हैं कि जब ये बारिश हुई थी आसपास के जो होटल हैं ढाबे हैं वहाँ भी पानी भर गया था। तो इस तरह से पालघर इलाका ऐसा इलाका है जो कि 3 दिन से रेड अलर्ट है, यहाँ से ये रास्ता पालघर की तरफ जाता है और बारिश की वजह से ये स्थितियाँ पैदा हो रही हैं मुंबई के आसपास के इलाकों में। कैमरामैन अनूप के साथ राजेश त्रिपाठी, ABP News, मुंबई।